क्लास वन सब्जेक्ट इंग्लिश। इससे पहले एपिसोड में हमने पढ़ा था माय डे लेसन 3, उसके हम कुछ एक्सरसाइज कर चुके थे। पेज नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 23। तो आप भी अपनी बुक खोल के बैठिए, कॉपी बुक ओपन करके बैठ जाइए। इसमें सबसे टॉप में देख लीजिए, पेज नंबर 23 में से अलाउड आई साउंड वर्ड्स हैं ये। तो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इनको आप केवल लाउडली बोलिए, समझिए। मैं बता रही हूँ आपको, पी आई एन पिन साउंड ऑफ आई, टी आई एन टिन, सी एच आई एन चिन, एफ आई एन फिन, बी आई एन बिन, एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, डी आई पी डिप, जेड आई पी जिप, CLIP clip, BIG big, FISH fish, FIG fig, DISH dish, WING wing। तो ये आप पढ़ चुके हैं, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, पहले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है ये वाला साउंड ऑफ आई। तो आप एक बार इसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। इसी में नीचे पढ़ते हैं हम, ग्रामर पोर्शन दिया है। कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग आई और ई। इसमें आपको साउंड ऑफ आई भी दिया है, साउंड ऑफ ई भी दिया है। कुछ पिक्चर्स बनी है, उनके वर्ड्स आपको मिसिंग दे रखे हैं, तो हमें उनकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में पेन है, सेकंड पिक्चर में शिप है, थर्ड पिक्चर में फिश है, फोर्थ पिक्चर में हैन है, और फिफ्थ पिक्चर में लिप है। तो अब आप देखिए, पेन वन नंबर पे है, पेन। तो पेन की स्पेलिंग यहाँ पे मिसिंग है, पी डैश एन। तो पेन की स्पेलिंग में आई आता है कि ई आता है? पेन की स्पेलिंग कंप्लीट होती है पी डैश में, हम लिखेंगे ई एन, तो बन गया पेन। तो इसमें आ गया आपका ई, ब्लैंक में हम लिख देंगे पी डैश में हम लिखेंगे ई, फिर बन गया एन, तो बन गई पेन। टू पे आ जाइए, शिप एस एच डैश पी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस एच ई पी शिप होता है कि एस एच आई पी शिप होता है? तो शिप की स्पेलिंग होती है एस एच आई, तो ब्लैंक में आएगा आई पी, तो बन गया एस एच आई पी शिप। शिप मतलब जहाज। थ्री पे बढ़िए, एफ डैश एस एच, सामने बनी है फिश। तो फिश की स्पेलिंग में आई आता है कि ई आता है? तो फिश की स्पेलिंग कंप्लीट होती है जब हम यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश में हम लिखेंगे आई, तो बन जाएगा फिश। फोर पे आ जाइए, सामने बना हुआ है एक हैन। तो हैन की स्पेलिंग क्या होती है, एच डैश एन। तो यहाँ पे ई आएगा कि आई आएगा? हैन की स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे हम, एच डैश में हम लिख देंगे ई, एच ई एन हैन। फाइव पे देख लीजिए, लिप, लिप मतलब होंठ, एल डैश पी। तो एल डैश डैश में क्या आएगा, आई आएगा कि ई आएगा? लिप की स्पेलिंग होती है एल डैश में आएगा आपका आई, तो बन गया एल आई पी लिप। आपने 23 का जो पोर्शन है, आप ये ग्रामर पोर्शन अपनी कॉपी में करेंगे, मैं नीचे भी और बता रही हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ से शुरू करेंगे कॉपी में, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग आई और ई। इसके नीचे चलिए, मैच द ऑब्जेक्ट्स दैट गो टुगेदर, कॉलम ए कॉलम बी। वन नंबर पे लिखा है लॉक, लॉक के सामने लिखा है थ्रेड। टू नंबर पे लिखा है कप, उसके सामने है बॉल। थ्री नंबर पे निडल, निडल के सामने की। फोर नंबर पे बैट, बैट के सामने प्लेट। तो देख लीजिए, वन नंबर पे लॉक है, तो लॉक मतलब ताला, तो ताला और क्या बोला जाता है, ताला और चाबी, तो चाबी को बोलते हैं की, लॉक की। वन को मिला दीजिए के ई वाई की से, लॉक मिल जाएगा की से, तो बन गया ताला चाबी। टू नंबर पे है कप, कप के साथ हम क्या बोलते हैं, कप एंड प्लेट। तो सबसे नीचे देख लीजिए, पी एल ए टी ई प्लेट, टू नंबर को पी एल ए टी ई प्लेट से मैच कर दीजिए। थ्री नंबर पे देख लीजिए निडल, निडल मतलब सुई, सुई और
धागा, सुई और धागा। तो थ्री नंबर पे निडल लिखा है, आप धागे से उसको मिलाइए, टी एच आर ई ए डी, थ्रेड, थ्रेड को बोलते हैं धागा। तो निडल को सीधे ऊपर थ्रेड से आप मैच कर दीजिए। लास्ट नंबर पे देख लीजिए, बैट बच्चों को बहुत पसंद है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, क्या खेलेंगे, बैट बॉल, तो बैट को मिलाना है हमने बॉल से, बी ए डबल एल बॉल। तो इस तरीके से आपने दोनों अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। प्लीज़ टर्न द पेज, पेज नंबर 24। टू नंबर पे देख लीजिए, राइट फाइव वर्ड्स दैट कम आफ्टर ए इन द फर्स्ट क्लाउड। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो बादल बना रखे हैं, और तो फर्स्ट क्लाउड में आपने लिखने हैं वो वर्ड लिखने हैं आपने जो ए, ए के बाद जो वर्ड्स आते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल अ बैट, अ कैट। टू नंबर पे देख लीजिए, एन, एन होता है, देख लीजिए, नाउ राइट फाइव वर्ड्स दैट कम आफ्टर एन इन द सेकेंड क्लाउड। सेकेंड क्लाउड में हमने लिखने हैं वो वर्ड्स जो एन के बाद शुरू होते हैं, जैसे कि एन अम्ब्रेला। तो ये मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। यहाँ देख लीजिए आप इसको, दो क्लाउड्स दिए हुए हैं आपको बुक में, एक में आपने लिखने हैं वो वर्ड्स जो ए के बाद लिखे जाते हैं, और दूसरे क्लाउड में आपने लिखने हैं वो वर्ड्स जो एन के बाद लिखे जाते हैं। तो जैसे आपको पता है ए के बाद वो वर्ड्स आते हैं जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बैट कैट हैट रैट, ये बी सी एच आर एफ, ये क्या है, सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इससे स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट, बी सी कॉन्सोनेंट, एच आर कॉन्सोनेंट, एफ कॉन्सोनेंट, और एन लगता है उन वर्ड्स के साथ जो कि वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स होते हैं हमारे फाइव, ए ई आई ओ यू, ये फाइव वॉवल्स हैं, आपको पहले भी बताया था, ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स हैं ये, ये है फाइव वॉवल्स। तो इनसे जो भी वर्ड शुरू होगा, चाहे वो एप्पल है, एग है, आइसक्रीम है, ऑरेंज है, अम्ब्रेला है, तो उनके साथ लगता है हमेशा एन, उनसे पहले एन लगता है, और ये कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स के पहले ए ही आता है। तो यहाँ पे फाइव वर्ड्स लिखने के लिए बोले हैं, फाइव वर्ड्स बोले हैं ए में, फाइव वर्ड्स बोले हैं एन में। तो देख लीजिए मैंने लिखा है ए, ए के बाद जो वर्ड मैंने लिखे हैं वो है अ बैट। आपने भी इसी तरीके से क्लाउड बनाना है, आपके पेज नंबर 24 पे क्लाउड बने हुए हैं, आपने भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको मज़ा भी आएगा क्लाउड बनाने में। तो एक मैंने लिखा है अ बैट, दूसरा लिखिएगा अ कैट, थर्ड लिख दीजिएगा अ हैट, अ रैट, अ फैन। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, एन वर्ड्स, एन के बाद जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं वो है एन आइस, आई से स्टार्ट है, देख लीजिए, एन आउल, ओ से स्टार्ट है, एन एप्पल, ए से स्टार्ट है, एन अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट है, एन एग, ई से स्टार्ट है। तो देख लीजिए ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स, तो इनसे जो भी वर्ड यहाँ पे आए हैं उनसे पहले एन आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ये चीज़ बहुत बार पढ़ चुके हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट्स। तो इसी तरीके से आपको भी अगर कुछ और वर्ड्स आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया है, आप भी अपने थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहेंगे वर्ड्स आप लिखिएगा। और 23 पेज में जो मैंने बताया है, और 24, आपने ये दोनों ही अपनी कॉपी में अच्छे से करना है।